नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों हस्त मैथुन करने से क्या क्या खराबी आती है हमारे शरीर में दोस्तों, और ये हस्त मैथुन की लत कैसे लगता है। प्योर देसी भाषा देसी वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ये नहीं कि पूरा स्टाइल मार के बताएंगे आपको। देखो दोस्तों, हस्त मैथुन आपकी एक एक रियलिटी बात में बताऊँगा। जो हस्त मैथुन होती है ना, वो कैसे पड़ती है, आदत कैसे लगती है आपको दोस्तों। हस्त मैथुन ऐसा है कि जब आप 12-13 साल के हो जाएंगे तब तक हस्त मैथुन लड़का लोग नहीं करता है। जब 14 स्टार्ट हो जाता है और उसका जो दोस्त है, संगत जो होती है, उस संगत की वजह से आप हस्त मैथुन करना सीखते हैं दोस्तों। हस्त मैथुन के बारे में आप जानते हैं लेकिन कभी ट्राई नहीं करते, लेकिन जो आपका दोस्त रहता है वही दोस्त हस्त मैथुन करता है और आपको भी सिखाता है, और उसमें आपको इतना लत लग जाएगा जो आपका जो दोस्त ने जो सिखाता वो तो छोड़ देगा लेकिन तुम नहीं छोड़ पाओगे। और नहीं छोड़ने के कारण से आप कंटिन्यू 4-5 साल आप हस्त मैथुन करोगे दोस्तों, फिर आपकी शादी होगी, आपकी प्रॉब्लम होगी, आपकी शुक्राणु की कमी में घटोतरी होगी, घट जाएगा मात्रा। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मेरे बगल में जो दोस्त था वो तो हमसे ज़्यादा हस्त मैथुन करता था, उसका क्यों प्रॉब्लम नहीं हुआ। डोंट वेरी दोस्तों, ये सब बिलीव नहीं करता। किसी किसी को होता है कि शुक्राणु की मात्रा बनना कम हो जाता है, किसी को ज़्यादा ही रहता है, नो प्रॉब्लम होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर एनर्जी लॉस हुआ है हस्त मैथुन करके, तभी आपको शुक्राणु में कमी होगी। अगर आपको लगता नहीं मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है दोस्तों। हस्त मैथुन करना चाहिए, महीने में अगर एक बार दो बार हो जाए तो चलेगा। लेकिन दोस्तों क्या होता अगर आप 14 साल से, मान लो 14 ईयर हो गया किसी लड़का का, वो हस्त मैथुन करता है, तो वो जो साल होती है ना बहुत ख़राब साल होती है दोस्तों। उसमें आप कुछ भी देखो दोस्तों, अपने घर में आप पापा किसी को बोलते कि दारू पीनी छोड़ दो, लाखों क्रिया कसम खाने के बाद भी दारू पीता है। सेम कैटेगरी में आता है हस्त मैथुन दोस्तों। हस्त मैथुन जो होती है उसकी आदत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है, वो करीबन 3-4 साल तक रहती है, यानी कि 14-20 साल तक। वही आपका 4 साल में आपकी शरीर की सारी एनर्जी बाहर कर देगी। और दोस्तों ऐसा हुआ है, एक दिन में 4-5 बार हस्त मैथुन करता है लड़का लोग, तो उससे क्या होगा, अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपकी शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा, उस टाइम आपको समझ में आएगा कि हस्त मैथुन मैंने क्यों किया, और अपने आप को चाटा मारने का मन करेगा। जब आपका एज निकल जाएगा, 20+ हो जाएगा, जब आप छोड़ देंगे, शादी विवाह हो जाएगा, उस टाइम आपको प्रॉब्लम करेगी दोस्तों। हस्त मैथुन जो होती है वो शुक्राणु की कमी को घटा देती है, और दोस्तों जो शुक्राणु अगर घट जाएगी आपकी, तो उसमें बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा शुक्राणु आपकी डैमेज हो जाएगी। इसीलिए हस्त मैथुन अभी से बंद कर दो दोस्तों। अगर आपने आपको अगर अच्छा परिवार शादी विवाह अच्छे से करना है, अगर आपको बच्चा पैदा करना है, अच्छा संतान पैदा करना है, तो उसके लिए हस्त मैथुन ज़्यादा ना करें। 1-2 महीने में अगर एक बार दो बार हो गया तो नो प्रॉब्लम, इससे कोई हानि नहीं, 0% हानि होता है अगर 1-2 महीने में एक बार हस्त मैथुन हुआ है तो। लेकिन वही एक दिन में 4-5 बार, 1 महीने में 20+ अगर होता है, हम जानते हैं दोस्तों गांव देहात का जो लड़का होता है वो संगत उसका ख़राब रहता है और वो सीख जाता है, सीखने के बाद वो जो सिखाता है उससे 20 गुना ज़्यादा हस्त मैथुन करता है, तो हस्त मैथुन से बहुत खराबी आती है। और दोस्तों एक बात और हम आपको बता दें, जो आप लोग सेक्स करने के लिए मरते हो ना, वो इतना सेक्स करने का मन क्यों करता है। कोई भी लड़का को अगर शादी नहीं किया, 14-16, 21-22 साल हुआ, उसको पूरा सेक्स करने का मन करेगा। सेक्स करने का मन रीज़न हम आपको बता देते हैं, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड आप उसको सेक्स करते हैं तो क्या है ना कि आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा मिलता है, थोड़ा थोड़ा मिलने के कारण से आपको पूरा जो है ना जन्नत की तरह लगेगा। और कोई भी लड़की आपको अगर हम शादी जैसे कि हो जाती है दोस्तों, तो उसके बाद ऑटोमेटिक जो है आपको सेक्स करने का लेवल घट जाता है, घटता है वही, मतलब आपकी मन जो है दिमाग नहीं दौड़ेगा चारों तरफ, सिर्फ ऐसे मनोरंजन के लिए आप करोगे। तो ये होती है कि सेक्स के लिए ना मरो दोस्तों, जो सेक्स संभोग होता है उसके लिए कभी
व्यक्ति को मरना नहीं चाहिए, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। उस टाइम में आप आगे निकल सकते हैं। अगर आप बाद में, अगर पहले ही आप सेक्स कर रहे हैं, हस्त मैथुन कर रहे हैं, संभोग करने के लिए मर रहे हैं और अपना काम धंधा, उसी टाइम आदमी गलत दिशाहीन में जाता है और आगे चल के कुछ नहीं कर पाता है। दोस्तों, सेक्स संभोग कोई बड़ी बात नहीं है, ये मानो तो 0.1% उसका वैल्यू है मार्केट में। संभोग करना, संभोग करना मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर आप देखो दोस्तों, संभोग का अगर इंटरेस्टिंग लेना चाहोगे तो आप क्या है ना कि अपने को अच्छा बनाओ, अच्छे रखो, लड़की पटाओ, लेकिन संभोग नहीं करो। दोस्तों, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो संभोग करने की इच्छा दिल से हटा दो, पहले अपना काम सेटल करो। उसके बाद दोस्तों, जब आपकी शादी होगी ना, उस टाइम आपको पता चलेगी कि आप, मैंने ये सब क्यों किया, इतना लौंडियाबाजी बचपन में हमको नहीं करना चाहिए था। ये सब आपको सारी माइंड, जब आप आगे चल जाएंगे आपके माइंड में आएगा दोस्तों, और उस टाइम आपको पछतावा होगा। आज अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो ऐसे ही मन बहलाने के लिए बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन दोस्तों संभोग अगर हो, देखो करना नहीं चाहिए। अपना पढ़ाई लिखाई करके अपना सेटल करो लाइफ, उसके बाद जब आपकी शादी होगी ना, उस टाइम एंजॉय लेना चाहिए। सबसे पहली बात, ना तो हस्त मैथुन करना चाहिए, ना किसी लड़की को गर्लफ्रेंड है संभोग उसके साथ भी नहीं करना चाहिए। ऐसा तो हालांकि गलत है। तो वही सब दोस्तों आपको याद रख के, अगर 14 से 20 21 साल तक आप संभाल लिए अपने जीवन को, तो आगे आपका जीवन संभालेगा आपको, समझ गया? और बच्चा जो रहता है बहुत नादान रहता है 14 से 20 21 साल के बीच में, मेरा वीडियो देखने के बाद जाके अभी हस्त मैथुन करेगा। ये सब गलत बात है दोस्तों, ये सब आज तो कोई पछतावा नहीं होगा, लेकिन एक दिन उसका ज़रूर पछतावा होगा, जब आपका शादी विवाह हो जाएगा। अच्छे संतान के लिए अपने शुक्राणु को बचाइए दोस्तों, ये आपकी एनर्जी ताकत बचा के रखती है दोस्तों। अगर आप हस्त मैथुन बार बार करोगे तो हस्त मैथुन जो होती है वो बहुत विटामिन कलेक्ट करने के बाद बनाती है आपकी शरीर के अंदर में, और वही बार बार निकल जाए तो क्या होगा कि आपके अंदर में जान नहीं बचेगी। कोई एक लात मार दे, एक भूसा मार दे, तो समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं दोस्तों? तो वही अंदर में ताकत रखो, ताकत रहेगा, शादी होगी, अच्छे से सेक्स कर पाओगे। और वही अगर बचपन में अपना सेक्स लाइफ ख़राब कर लिया तो शादी के बाद प्रॉब्लम होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। प्योर देसी भाषा में समझाने के लिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हस्त मैथुन जो करता दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और उसका अगर पार्ट टू वीडियो चाहिए आपको हस्त मैथुन का, तो ये वीडियो जो होती है दोस्तों, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पार्ट टू वीडियो लिखें, उसका पार्ट टू वीडियो पूरा प्रोफेशनल तरह से हम बताने की फिर से कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।